एवरीवन, दिस इज दीपक वशिष्ठ योर केमिस्ट्री एडुकेटर। और आप लोगों के लिए बेटा मैं एक स्पेशल इनिशिएटिव ले रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में। जी हां बेटा, दैट विल बी मदर ऑफ ऑल मोटिवेशन। जब आप सुनोगे आप ही के जैसे ड्रीम करने वाले बच्चों से जो आपके जैसे ही 2 साल पहले 3 साल पहले नीट क्रैक करने का ड्रीम देखते थे, और उन लोगों ने बेटा अपना ड्रीम पूरा किया अपनी मेहनत के साथ, अपने स्मार्ट वर्क के साथ, और वो आज इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मैं एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं बेटा जिसमें मैं आप लोगों को इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में लेके जाऊंगा अपने साथ, और वहां पढ़ने वाले बच्चों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे ऐसा क्या डिफरेंट किया उन्होंने कि वो अपने सपने को सच कर पाए एज कंपेयर टू अदर्स हु कुड नॉट। और आपको बेटा उनकी एक एक बात को अपने दिमाग में अपने दिल में रखना है और उनको अच्छे से फॉलो करना है। मेरी इस सीरीज का पर्पस यही है बेटा कि आप लोगों को इतने ज्यादा इंस्पायर हो जाओ आप कि आपको अपने से पढ़ने का मन करे। तो बेटा इस सीरीज में मैंने जो पहला मेडिकल कॉलेज जो चूज किया है दैट इज इंडियाज बेस्ट मेडिकल कॉलेज, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो मेरे पीछे, एम्स न्यू दिल्ली। जी हां, मैं अभी 2 दिन पहले ही मैं एम्स न्यू दिल्ली गया आप लोगों के लिए। मैंने वहां पढ़ रहे बच्चों से जो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, उन बच्चों से बातें करी और आप लोगों के लिए उनसे जानने की कोशिश करी कि क्या ऐसा यूनिक करें हमारे अन अकेडमी के बच्चे ताकि वो भी इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ पाए। तो बेटा जी आओ चलते हैं मेरे साथ इस सीरीज की पहली कड़ी में जहां पर मैं एम्स न्यू दिल्ली बेटा मैंने विजिट किया और यहां के बच्चों से बात करी। तो लेट्स गेट इनटू द एम्स राइट नाउ मेरे साथ। मैं आपका अपना दीपक वशिष्ठ बना रहूंगा इस पूरी सीरीज में और आपको इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में लेके जाऊंगा। और बेटा अपने आप को इंस्पायर करना, क्योंकि देखो सेल्फ मोटिवेशन जो होती है बेटा उससे बेटर कोई मोटिवेशन नहीं है। बट यस, थ्रू दिस सीरीज आई एम ट्राइंग कि आप लोगों के मन में जो आग पढ़ने की, जो सिंसियरिटी की जो आग है जो छुपी हुई है वो बाहर निकल के आए। तो ठीक है, बने रहो मेरे साथ इस सीरीज में। हर हफ्ते वेट करना बेटा, मैं लेके आऊंगा कोई टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस और वहां के बच्चों के साथ इंटरेक्शन। तो चलो बेटा आओ मेरे साथ चलते हैं एम्स न्यू दिल्ली और यहां के बच्चों से बातें करते हैं। दिस इज दीपक वशिष्ठ योर केमिस्ट्री एडुकेटर। और बेटा आज मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज है, एम्स न्यू दिल्ली के सामने। आज मैं यहाँ पर स्टूडियो से निकल के बाहर आया हूँ ताकि आप लोगों को जो आपका ड्रीम है बेटा, जो आप फ्यूचर अपने लिए इमेजिन करते हो, उसको मैं आपको उसको लाइव में आपको शो कर सकूँ, मैं आज उसको आपको जी के दिखाऊँ। तो आज मैं इस मेडिकल कॉलेज को आपको विजिट ही नहीं कराऊँगा, जो आपके जैसे बच्चे जो पिछले 2 साल पहले 1 साल पहले आप ही की तरह ड्रीम करते थे इस मेडिकल कॉलेज में आने के लिए, उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो यहाँ पर एडमिशन ले पाए, तो वही सब आज जानेंगे। उन्हीं बच्चों के मुंह से हम लोग बात करेंगे, एक एक डिपार्टमेंट देखेंगे और मैं आप लोगों को इसी तरीके से दिल्ली के, इंडिया के सारे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस आप लोगों को दिखाता रहूँगा सो दैट यू पीपल कैन गेट इंस्पायर्ड। तो हम स्टूडियो में रहकर तो आपको केमिस्ट्री पढ़ा के मैं बेटा आप लोगों को नीट क्रैक करने के लिए तैयार करूँगा, साथ ही साथ हम इन कॉलेजेस को विजिट कर मोटिवेट होंगे ताकि हम और मेहनत कर सकें और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या यूनिक किया कि वो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो चलो लेके चलता हूँ आपको अपने साथ और विजिट करते हैं एम्स न्यू दिल्ली, इंडियाज बेस्ट मेडिकल कॉलेज, योर फ्यूचर मेडिकल कॉलेज, अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। मैं खड़ा हूँ अभी एम्स के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने। ये वही जगह है जहाँ पर आपको नीट में टॉप रैंक्स लाने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए आना पड़ेगा। तो दिस इज़ द प्लेस, देख लो बेटा। और कभी भी अगर पढ़ने का मन ना करे तो इन्हीं सभी पिक्चर्स को, इसी वीडियो को बार बार देखकर बेटा अपने आप को इंस्पायर करना कि आपका जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का, एंड दैट टू फ्रॉम इंडियाज बेस्ट मेडिकल कॉलेज, तो वो ऐसा होता है। आफ्टर विजिटिंग द एम्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आई वेंट टू द हॉस्टल रूम ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, जहां पर हमारे साथ 3 बच्चे जुड़े बेटा जो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं वहां पर। तो आप ही के जैसे बच्चे हैं, एक एक बात ध्यान से सुनना। तो चलते हैं डायरेक्ट एम्स के हॉस्टल रूम में और बात करते हैं
एम्स में पढ़ने वाले बच्चों से। हेलो एवरीवन, मैं बैठा हूँ बेटा इंडिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली के एक हॉस्टल रूम में, जहाँ पर बेटा आप लोग सपने देखते हैं कि काश आपको भी इस हॉस्टल रूम में रहने का चांस मिले। लाखों बच्चे सपना देखते हैं, लाखों बच्चे ड्रीम करते हैं। तो आज हम उसी एम्स के हॉस्टल रूम में बैठे हैं कुछ उन बच्चों के साथ जिन्होंने अपने उस सपने को जिया और उसको सच करके दिखाया और अपनी मेहनत से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इतना अच्छे से रगड़ा कि वो टॉप ऑल इंडिया रैंक्स बेटा लेके आए और आज वो अपने सपने को जी रहे हैं। तो उनके साथ मिलकर आपका जो आने वाला फ्यूचर है, अगर आप पढ़ाई करते हो अच्छे से तो ही आपका ये फ्यूचर होगा। तो उस फ्यूचर का एक थोड़ी सी एक झलक देखते हैं और आपको मिलाते हैं बेटा एम्स में टॉप ऑल इंडिया रैंक्स लेकर पढ़ने वाले अभी हमारे करंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। और ये हैं हमारे अंकुर जी। अंकुर बेटा, आप कुछ बताओ हमारे बच्चों को कि कैसा लग रहा है आपको, मतलब पढ़ाई करके यहाँ पर एम्स में कैसी लाइफस्टाइल है, क्या तरीका है यहाँ पे लाइफ जीने का आपका? सर एक्चुअली जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ऑल्दो मैंने एम्स के बारे में नहीं सोचा था, मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैम्स ही मिल जाएगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा। बट एम्स में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। और पहला जो एक साल है लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि पढ़ाई जो होती है काफ़ी ईजी होती है, 11-12 जैसी होती है काफ़ी सब्जेक्ट्स, तो इस वजह से मतलब पढ़ाई पे भी फोकस हुआ थोड़ा। बट बहुत मस्ती की, यहाँ पे हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने गए, खूब घूमा। पल्स आपको पता ही होगा कि मतलब एनुअल फेस्ट होता है बहुत बड़ा, तो उसमें हम लोग ने घूमा, काफ़ी मज़ा किया, फ्रेंड्स बने बहुत अच्छे, जैसे कि दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब अल्टीमेटली मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो। देख लो बेटा, दिस इज़ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज और बेटा यहाँ पे लाइफ बहुत चिल है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो चिल लाइफ है। तो यहाँ आना है तो बेटा आपको पढ़ना होगा, जो हम लोग बोलते हैं हम एडुकेटर्स, जो आपको अनअकैडमी नीट के एडुकेटर्स जो आपको बोलते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बेटा पढ़ लो अगर आपको यही ऑसम लाइफ जीनी है। अब मैं चाहूँगा हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट हैं एम्स के, आप कौन से ईयर में हैं ब्रदर? सेकेंड ईयर। तो इनके बारे में जानते हैं और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। हाय, मेरा नाम ओम सुरवस है, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो पहले तो मेरा भी ऐसा ही था कि कॉलेज एम्स ऐसे कुछ खास ड्रीम नहीं था, बट क्योंकि अब जब एम्स की एग्ज़ाम हुई और रिज़ल्ट आया तो अगर एम्स दिल्ली मिल रहा है तो इस बात में कोई छोड़ेगा नहीं एम्स दिल्ली। तो एक तो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी सही लाइफ है एम्स दिल्ली में, लाइक सिर्फ एकेडमिक पर्पज़ से नहीं, एकेडमिक अगर तुमको रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है वगैरह तो एम्स बहुत जगह सही प्लेटफॉर्म है यहाँ पर कि तुम लाइक रिसर्च कर सकते हो अलग अलग फील्ड्स में, और फिर यूएस जाने का भी चांस मिलता है। और बाकी फिर स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ की भी यहाँ पे भरमार है, ऐसे तुम पूरा साल भर कुछ ना कुछ होता रहता है, आपने पल्स के बारे में सुना है। फिर यहाँ पे इंटर बैच कॉम्पिटिशन्स होती है इनफेस्ट के नाम से, और बाकी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं कि बाकी कॉलेज में जाके खेलो, तो काफ़ी ऐसे परिपूर्ण लाइफ है, लाइक ऑलराउंडर टाइप्स है। तो अगर मेहनत करो भैया आना है तो, और ये आपकी लाइफ बहुत लाइक डिजर्वड है। वेल सेड। तो बेटा देखो, भैया का भी यही कहना है कि मेहनत करो, आ सकते हो आराम से और इस अच्छी लाइफ को आप भी जी सकते हैं बेटा। उसके अलावा हमारे तीसरे ब्रदर यहाँ पर बैठे हैं बेटा, आप ही की तरह इन्होंने भी सपने लिए थे और अभी 2 साल पहले ही बेटा ये भी एम्स में आए हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। हेलो, मेरा नाम वरुण है और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ इधर एम्स में। हाँ, जैसे सर ने बोला, आई ऑल्सो क्रैक्ड एम्स इन 2019। और सर जैसे सब मेरे दोस्तों ने भी बताया और सर ने भी बताया, यहाँ काफ़ी चिल लाइफ है, दैट्स वेरी ट्रू अबाउट इट। मेरे को भी लगता था कि MBBS होगा तो बहुत स्ट्रेसफुल सा होगा, सिर्फ पढ़ते रहना पड़ेगा, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। यहाँ का लाइफ इज़ लाइक इट्स वेरी बैलेंस्ड, यू गेट एवरीथिंग, यू हैव एकेडमिक्स, यू हैव स्पोर्ट्स, यू हैव अदर थिंग्स, यू लर्न न्यू हॉबीज़, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू कम हियर। तो आई थिंक यहाँ बहुत बैलेंस सी लाइफ हो जाती है, काफ़ी फन होता है, नए फ्रेंड्स मिलते हैं, जूनियर्स मिलेंगे आगे जाकर हमें, और सीनियर से बात होती है, सो इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ फन। एंड देर इज़ आवर एनुअल फेस्ट पल्स विच एम्स ऑर्गेनाइजेज एवरी ईयर, अनफॉर्चुनेटली इस बार हो नहीं पाया कोरोना के कारण, बट हर साल होता है, तो बहुत मज़ा आता है इधर। एंड आई थिंक जस्ट स्टडीज नहीं, एक सोशल लाइफ भी इधर बहुत अच्छी रहती है, सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा आप देख रहे हो, लाइफ बहुत ऑसम हो जाएगी अगर आप लोग बेटा मेहनत करते हैं और जो डॉक्टर बनने का आपका सपना है, एंड दैट टू फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट मेडिकल कॉलेज, इट्स नॉट टू फार।
बस व्हाट इज रिक्वायर्ड इज लिटिल बिट ऑफ सिंसियरिटी एंड लिटिल बिट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड। कहते हैं ना बेटा कि अभ्यास के दौरान बहाया गया पसीना युद्ध में खून बचाता है, तो वही वाली बात है बेटा। अभी आपका अभ्यास का टाइम चल रहा है तो उसमें पसीने बहा लो ताकि आप यहाँ पे आके अपना खून बचा सको और बेटा लाइफ को मस्त वाला एंजॉय कर सको। चलो ये तो हुई बात कि भाई कैसी लाइफ होगी यहाँ आने के बाद, कैसा लगेगा आप लोगों को, लाइफ बहुत औसम है, चलो सर एवरीथिंग, बिल्कुल मान लिया सर एक एक बात आपकी, बट सर ये लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे? इस हॉस्टल रूम में, एम्स के हॉस्टल में रहने के लिए कितनी मेहनत करी इन्होंने, किस तरीके से पढ़ाई करी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी गोना डिस्कस। और बेटा इन्हीं बच्चों के मुंह से हम सुनेंगे, और ये वही लोग हैं बेटा जो आप ड्रीम कर रहे हो बनने का, ठीक है? तो अपने फ्यूचर को, अपने इस ड्रीम को कैसे पूरा करें, फ्यूचर को कैसे इनके जैसा बनाएं, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं, ठीक है? वन बाय वन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अंकुर से शुरुआत करते हैं कि अंकुर बताएंगे कि कैसे आपने मेहनत करी, कैसे तैयारी करी। तो आई थिंक एक चीज़ जो आप सबको पता होनी चाहिए कि इफ़ यू वांट टू क्रैक एम्स और नीट, यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर। अगर आपको उसका आइडिया है, लाइक अगर आपके जो सिबलिंग्स हैं वो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में, और आपके जो मदर फादर हैं, तो उन लोग को लाइक थोड़ा बेसिक आइडिया होता है कि कैसे पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। बट जो लोग लाइक बिल्कुल कोचिंग वगैरह नहीं करते एंड उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता, तो वो होते अच्छे हैं पढ़ने में, बट उनको पता नहीं होता क्या पूछा जाएगा, और इस वजह से वो पेपर क्रैक नहीं कर पाते। तो आई थिंक एक गाइडेंस का सोर्स आपके पास होना चाहिए, या कोचिंग, या अगर आपके सिबलिंग्स मदर फादर कोई डॉक्टर है, तो मतलब एक गाइडेंस का सोर्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो उससे काफ़ी ईजी हो जाता है। और उसके बाद तो फिर एक ही चीज़ रह जाती है, केवल मेहनत। आपको मेहनत करनी है, पूरे टाइम पढ़ते रहना है। PCB तीन ही सब्जेक्ट्स हैं, उनको एकदम अच्छे से पढ़ना है, स्पेशली बायो को पढ़ना है। बहुत से लोग फिजिक्स के पीछे भागने लगते हैं कि अगर हम फिजिक्स अच्छी करेंगे तो पेपर क्रैक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब तो पूरा ही नीट पैटर्न हो गया, तो उसमें हमको पता है बायोलॉजी का थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, तो बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और उनको भी अपना स्ट्रांग रखें। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा कि फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी आस्क्ड इन द पेपर, कोई गाइडेंस का सोर्स होना चाहिए, और उसके बाद केवल आपको बस मेहनत करनी है, और वो भी सही सब्जेक्ट पे सही अमाउंट ऑफ टाइम देके। तो बेटा सुन लिया आपने अंकुर के मुंह से, और बेटा देखो इनका भी यही कहना है कि जो हम लोग आप लोगों को बोलते हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स को हमें बैलेंस्ड रखना है, जिसका वेटेज जितना है उसको उतना ही टाइम देना है। बायोलॉजी ऑब्वियस है बेटा, आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 45 हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने एफर्ट्स पुट करने हैं। और डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट टफ, बस आप रेगुलरली सिंसियरिटी के साथ बेटा आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई दो, सेल्फ स्टडी, तो आप देखोगे बेटा आप यहाँ पे आके रह सकते हो। और उसके अलावा हमारे नेक्स्ट ब्रदर, उनसे पूछते हैं उन्होंने कैसे तैयारी करी एंड व्हाट शुड यू ऑल डू टू गेट इनटू एम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अंकुर ने कहा कि तुम आप सबके पास एक गाइडेंस की सोर्स होनी चाहिए जो आपको बता सके कि एग्ज़ाम में क्या आता है और क्या पढ़ना है, ये तो सबसे प्राइमरी चीज़ है। और सेकंडली मैं बेसिकली ये पॉइंट पे फोकस करना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो साल भर बिल्कुल मेहनत नहीं करते और एंड में कुछ क्रैश कोर्स करके पास हो जाएंगे, इस भरोसे पे रहते हैं, तो ये सारा स्कैम है, ठीक है? आप लोगों को साल भर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको बेस्ट कॉलेजेस प्राप्त करना है तो आपको पूरे इंडिया के सारे बच्चों से कम्पीट करना है, दैट मीन्स आपको मेहनत भी उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पढ़ाई जल्दी स्टार्ट कर दो, जैसे ही मतलब 2 साल का कोर्स होता है 11th 12th का, तो 11th से ही पढ़ना स्टार्ट करना, कोई ऐसा डिले मत करना। और कंसिस्टेंटली बेसिक चीज़ ये रखो कि तुमको रोज़ जो पढ़ा रहे ना वो घर पे आके एक बार देख लेना, ताकि वो तुम्हारे, क्योंकि वो तुमको जस्ट सिखाई है तो तुम्हारी रिसेंट मेमोरी में रहेगी वो चीज़, तो तुमको ज़्यादा देर तक याद रहेगी और समझ भी अच्छी आएगी अगर आप दूसरी रीडिंग दे रहे हो एक ही दिन में। तो सो यही है कि कंसिस्टेंटली करो, रोज़ का मतलब ऐसे रोज़ का रोज़ पढ़ लो, और ज़्यादा ऐसे पोस्टपोन मत करो अपनी पढ़ाई को। बाकी तो मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ पढ़ाई करना ऐसा भी नहीं है 11th 12th में, आप लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ हॉबीज़ या फिर समथिंग, लाइक मेरे को गाने सुनना पसंद था तो मैं रिफ्रेशमेंट के लिए गाने सुनता था ब्रेक लेके, तो ब्रेक लो और अपने माइंड को ऐसे 100% कॉन्सेंट्रेशन मोड पर रखो। ऐसा नहीं है कि बस तुम बुक के सामने खड़े हो और तुमको समझ नहीं आ रहा, बस तुम पढ़ रहे हो, तो दैट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, सो यही है कि अपना 100% दो
और पढ़ाई जल्दी स्टार्ट करना, कोई क्रैश कोर्स के भरोसे पे मत रहना। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको जो मैंने बात बोली ना गाइडेंस वाली, तो आप पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आपको काफ़ी पेपर पैटर्न का पता लग जाता है कि यार इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने हार्ड नहीं पूछे जाते, इतने ईजी नहीं पूछे जाते, तो क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है पुराने साल के। नाउ ब्रदर, आप बच्चों को क्या सजेशन देंगे? एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पहले दिस वॉज टू डिफरेंट क्वेश्चन, एम्स में कैसे आए और नीट कैसे फोड़े। अभी तो खैर एम्स का एग्ज़ाम है नहीं, तो अपना प्राइमरी फोकस है नीट, एंड एज एवरी वन नोज कि नीट बहुत बेसिक एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एन सी आर टी का अच्छा कमांड होना चाहिए। वी स्पेशली बायो बायो की NCERT की हर एक लाइन बहुत अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए। कमिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आई सजेस्ट कि फिजिक्स में जितना हो पाए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हमारी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आई सजेस्ट कि कोई भी रेफरेंस बुक ले लो और आकाश एलन इन सब के मॉड्यूल्स भी सॉल्व किया करो। तो आई यूज़ टू डू दैट, तो आई यूज़ टू गेट हैव अ बिग बैंक ऑफ क्वेश्चंस विच आई यूज़ टू सॉल्व। और बायो में जितने बार हो पाए मैं NCERT में वापस वापस मैं करता जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इन लोगों ने भी कहा कि एंटरटेनमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड टेक ब्रेक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट था लोग मेरे से पूछते थे कि पढ़ाई कैसे करनी है, मतलब क्या करना है कि एम्स पहुँच जाए। मैं कुछ नहीं, सिंपल है, पढ़ाई कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं डिफरेंट, वी डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, द थिंग इज़ कि वी डू इट एफिशेंटली एंड हम उसको स्मार्टली कर रहे हैं। सो टाइम योर शेड्यूल प्रॉपरली एंड मेक अ टाइम टेबल, एंड तुम लोग सेग्रीगेट करके प्रॉपरली पढ़ोगे तो इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, इवन एनी वन कैन डू इट। तो बेटा आप लोगों ने सुना, तो ये वो बच्चे हैं बेटा जिनके जैसा आप बनना चाह रहे हो। तो इनकी एक एक स्टेटमेंट को अपने बिल्कुल दिल में उतार लो और उसको वर्ड बाय वर्ड फॉलो करो अगर आपको बेटा एम्स न्यू दिल्ली में पढ़ना है। तो मैं एम्स के इन्हीं स्टूडेंट से बेटा अब मैं जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अन अकेडमी के बच्चों के लिए आप लोग कुछ मोटिवेशनल वन लाइनर्स आप दीजिए, ताकि अगर इनका कभी पढ़ने का मन ना करे, जैसा कि नहीं करता है कई बार बच्चों का, तो ये उस स्टेटमेंट को याद रख के इनका भी पढ़ने का मन करने लग जाए। क्या भाई बच्चों, सही बात है ना? तो यस, तो चलो बेटा वन बाय वन इन्हीं बच्चों से जानते हैं कि क्या आप कैसा करें ताकि बेटा आप पढ़ाई में आपका मन लगा रहे। तो सर, जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं एक ही चीज़ सोचता था कि लाइक आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ फाइटिंग दिस वॉर, एंड अगर आप ब्रेव और पेशेंट हो तो आप क्रैक कर लोगे, और अगर आप नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे, दूसरे लोग हैं जो कि क्रैक कर लेंगे। सो इट्स नॉट द टाइम कि आप रेस्ट करो, ये पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ लो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे का पढ़ने का मन कब करता नहीं है, जब वो कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अलग अलग चीज़ों से, ठीक है? तो फिर इस बारे में मैंने कहीं सुना था, ये मोहरा टाइप ही समझ लो, तो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, यही मौका है। राइट, एब्सोल्युटली वेल सेड। तो बेटा मत पढ़ना इश्क मोहब्बत के चक्कर में, अभी पढ़ाई अभी कर लो। पढ़ लो, 2 साल बाद में दिक्कत क्या है, लेकिन नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली है, इसकी वजह से बहुत बच्चे बर्बाद होते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन। मैं आई थिंक अगर बच्चों को मतलब मोटिवेशन ना मिला तो ये सोच लेना, अगर एम्स क्रैक करने पे सीनियर लोग ट्रीट देते हैं, बहुत फन होता है, अगर आ जाया करो यार, और सीनियर बहुत प्यार करते हैं तो आ जाया करो। तो बेटा देख लो, अगर इनको आपको अपने सीनियर्स के रूप में देखना है, इनका जूनियर बनना है, तो अगले साल अगर एम्स में आके पढ़ना है, क्योंकि देखो ये अगले 3-4 साल और एम्स में रहने वाले हैं, तो अगर इनका जूनियर बनना है, ये आपके सीनियर्स होंगे बेटा, तो देखो इन्होंने जो जो बात बोली है, जो हम अन अकेडमी के एडुकेटर्स आप लोगों को बोलते हैं, तो उनको फॉलो करो, ये आप ही के भले के लिए बेटा। और इन्हीं मस्त हॉस्टल रूम्स में, इंडिया के इसी बेस्ट मेडिकल कॉलेज में, इसी ऑडिटोरियम की जो सीट्स हैं बेटा, उन्हीं क्लासरूम लेक्चर हॉल्स में बेटा बैठ के आपको पढ़ने का चांस मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपका केमिस्ट्री एडुकेटर दीपक वशिष्ठ आप लोगों से विदा लेता हूँ, और फिर से मिलेंगे हम किसी नए टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के टॉप मोस्ट बच्चों के साथ। टिल देन, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच। इन बच्चों से बात करके बेटा, इनकी बातें सुन के आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। तो
तो चलो इसी उसके साथ, इसी होप के साथ कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी आपको, आज का हम लोग ये वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। और जाते जाते मैं आप लोगों को बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, उनको आप लोग ध्यान से सुनना। अनअकैडमी के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल अनअकैडमी नीट के आपके अमेजिंग टीचर्स सभी के सभी बेटा, जैसे कि प्रदीप सर, गौरव सर, महेंद्र सर, अनूप सर, सीप मैम, मैं दीपक वशिष्ठ और अनु सर, बेटा हम लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपकी स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं लगातार, विच आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड करो और हमको बेटा फॉलो करो, हमारी प्रोफाइल्स को, ताकि हमारी जब भी स्पेशल क्लासेस हो आपको नोटिफिकेशन आ सके। और बेटा शेड्यूल भी आपके सामने दिया हुआ है, सुबह 10 बजे आते हैं प्रदीप सर, 10 बजे गौरव सर भी आते हैं, महेंद्र सर, अनूप सर, सीप मैम, दीपक वशिष्ठ और अनु सर, हम सभी का आप शेड्यूल देख रहे हो बेटा, तो हम सबकी स्पेशल क्लासेस करें सब लोग। उसके अलावा बेटा इस अमेजिंग चैनल पे हम लोग लाइव रहते हैं डेली आपके लिए बेटा 24 आवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीतिका मैम बॉटनी लेके आती है सुबह 11 बजे, मैं दीपक वशिष्ठ 12 बजे आता हूं दोपहर में, और उसके अलावा रात को 10 बजे भी आ रहा हूं। एक स्पेशल सीरीज चल रही है मेरी 10 बजे, फास्ट ट्रैक सीरीज फॉर नीट 2021। और बेटा 3 और 4 बजे महेंद्र सर और अनु सर आते हैं, सीप मैम आती है 5 बजे, अनूप सर 6 बजे, प्रदीप सर 7 बजे और गौरव सर 8 बजे। तो इस अमेजिंग चैनल के ऑसम टीचर्स को बेटा रेगुलरली फॉलो करो, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग, तो बेटा उसका फायदा उठाओ और अपनी नीट की प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांग बनाओ बेटा। उसके अलावा मेरे बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है livedaily.me/chat, अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे मेरे बेटा। उसके अलावा हमारी माइक्रो वेबसाइट है livedaily.me/need, किसी भी ब्राउजर में अगर डालोगे तो बेटा वहां से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप वहां से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के लेसन वाइज आपको लिंक मिल जाएंगे वहां से, तो याद रखना livedaily.me/need। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसको हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म एक पेड प्लेटफॉर्म है, इट मींस इट कम्स विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप अनअकैडमी का प्लस प्लेट सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं बेटा आपकी इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से लाइव क्लासेस के जरिए आपका नीट का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा वेल बिफोर टाइम। एंड प्लस प्लेटफॉर्म इज हाईली इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, और कैसा फील आता है प्लस के फील को लेने के लिए आप हमारी स्पेशल क्लासेस भी कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर। तो बेटा हाईली इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, आप क्लास के दौरान हमसे डाउट पूछ सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो, और उसके अलावा बेटा हम लोग लाइव पोल्स के जरिए आप हमारी क्लास में आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है, और लीडर बोर्ड से अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हो क्लास में आप। लगातार हम टेस्ट सीरीज लेते हैं थ्रू आउट द ईयर, जिससे आपको बेटा रियल टाइम नीट एग्जाम का एक फील आता है और आपको प्री शेड्यूल बेटा पता होता है आपको पहले से ही, और आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करके बेटा टेस्टिंग सिस्टम में इसका फायदा उठा सकते हो मेरे बेटा। और उसके अलावा बेटा डाउट पे हमारा बहुत फोकस रहता है प्लस पे, अगर आप लोग प्लस लेते हैं तो डाउट आपके बेटा बचेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि हर चौथी क्लास आपकी डाउट क्लास होती है, 3 क्लास में कंसेप्ट पढ़ाते हैं उसमें तो आप डाउट पूछ ही सकते हैं, बट हर चौथी क्लास बच्चे डाउट क्लास होती है, तो बेटा प्लस ले लो और अपनी पसंद के टीचर से आप पढ़ोगे बेटा, हम थोपेंगे नहीं, आपको अपनी चॉइस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिससे आपको पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा हम एक ऑसम चीज और कर रहे हैं आपके लिए, अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट, जिसको हम यूनिक बोलते हैं, इसमें बेटा हम आपको डीपीपी प्रोवाइड करते हैं और बिल्कुल लाइव, यू कैन अटेम्प्ट इट एवरीडे 7 PM मंडे टू थर्सडे हम लोग कंडक्ट करते हैं बेटा, तो सारे लोग बच्चे इसके लिए बेटा एनरोल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा बेटा। उसके अलावा एक और ऑसम चीज हम कर रहे हैं अपने नीट एस्पिरेंट्स के लिए, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं आपके नीट के लिए हर संडे के संडे हम लोग वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं, पूरे हफ्ते जो आपने पढ़ा है एक प्री डिसाइडेड शेड्यूल होता है बेटा, सिलेबस होता है, तो आपके हर संडे के संडे हम लोग टेस्ट करते हैं, पूरे इंडिया से बच्चे बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग भी करो और इसके लिए एनरोल करो फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इस वीडियो के, ठीक है। और बेटा इसमें अच्छा करने वालों के लिए कीप स्कोरिंग कीप विनिंग, मतलब अगर आप टॉप ऑल इंडिया रैंक 50 रैंक में आते हो तो आपको बहुत सारे बेटा अमेजिंग कैश वाउचर्स हैं बेटा, ठीक है, तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग में जरूर पार्टिसिपेट करो मेरे बच्चे। उसके अलावा हम आपके स्कूल एग्जाम पर भी ध्यान देते हैं, बोर्ड एग्जाम पर भी ध्यान देते हैं, अनअकैडमी जीनियस मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट,
बेटा वही UGMT, हर सैटरडे के सैटरडे हम मॉड्यूल वाइज फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th सिलेबस। ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए भी एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे बेटा, जाके आज ही इन सभी जो भी हम ये यूनिक इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके लिए, इनके लिए एनरोल करो और फ्री ऑफ कॉस्ट इनका फायदा उठाओ। और अनअकैडमी नीट के बेटा सिस्टर चैनल्स हैं लाइक जस्ट नीट, नीट वॉइस, नीट टॉपर्स एंड नीट तेलुगु, यहाँ भी इंडिया के अमेजिंग टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, वहां भी जाके आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेरे बच्चे। करना क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो और बेटा जी उसके बाद आप यहाँ प्लस का बटन दबाएंगे, फिर नीट यूजी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन, हरा बटन दबाओ, मेडिकल कॉलेज का ग्रीन सिग्नल है। और आपके सामने बेटा इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो मैं बोलूंगा कि आप 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए ही जाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। पर जो बच्चे सोच रहे हैं कि नीट 2021 आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो बेटा वो 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और रेफरल कोड यूज करें DVLive, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अगर आप DVLive यूज करते हो तो आपको फीस पर एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा जी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत फायदे की चीज है, आपके फायदे की बात है बेटा, और कोड यूज कीजिए DVLive। और बेटा इसके अलावा एक ऑसम हमने सब्सक्रिप्शन और लॉन्च किया है आपके लिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के तो सारे फायदे हैं ही हैं, उसके अलावा बेटा हम आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइड करेंगे और ये वो बंदे होंगे जिन्होंने खुद नीट में टॉप ऑल इंडिया रैंक लेके आए हुए हैं, ये आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे बेटा नीट की प्रिपरेशन के दौरान। उसके अलावा हम आपको प्लानर बना के देंगे बेटा पूरा पढ़ाई का, उसके अलावा वर्कशॉप करेंगे टाइम टू टाइम, आपको एक होलिस्टिक केयर जो चाहिए होती है बच्चे को, पर्सनल केयर, दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बेटा गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एंड यूज द कोड DVLive फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। और प्लीज बेटा इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम बच्चों तक इसका फायदा पहुंचाएं, इसको शेयर करें बेटा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आए। और मैं जाते जाते फिर से बोलूंगा, लेट्स क्रैक इट, दिस इज द एम्ब्लेम ऑफ अनअकैडमी एंड वी विल क्रैक इट, वी विल बिकम डॉक्टर एट एनी कॉस्ट बिकॉज अनअकैडमी है आपके साथ। और बेटा जी फिर से बोलूंगा कि प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, DVLive कोड यूज करते हुए और 10% डिस्काउंट पाओ, और बेटा अपने डॉक्टर बनने का रास्ता स्ट्रॉन्ग करो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आई होप यू पीपल एंजॉय टुडे सेशन अलॉट। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में बहुत जोश के साथ, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।